मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कुंभ शांति। आज 29 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। याद से याद मिलती है, जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। क्वेश्चन है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। उस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग है तो तुम्हारी अवस्था परिपक्व बन जाएगी। अटेंशन से सुनेंगे। जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखनी है। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सब बच्चे यात्रा पर रहते हैं, सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जो जहाँ भी हैं, बाप को याद करते हैं तो ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने से आता है ये स्टार बहुत चमकता है, ये बहुत नज़दीक है। ये तो चमकता ही नहीं, तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान योग के सितारे। कौन है हम सब? ज्ञान योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला बच्चों को, बाप बच्चों को याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा है सर्वशक्तिवान, उस बाप को याद करते हैं। तो याद से याद मिलती है, याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं। बाबा किन्हें याद करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको ज्ञान सूर्य बाप याद करते हैं। बच्चे भी याद करते, जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती। याद से याद मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते, बाबा आप हमें याद करते हो? बाबा कहते, क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ते पवित्र हैं, बाप से बहुत प्यार है, तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे, हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं? हर एक पूछे, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं? एक की याद में रहने से फिर पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया है। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बने बाबा सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे, वो जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे, कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको माया कहा जाता। कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। वो लोग दवाइयों से वश करते, बच्चे कहते, बाबा ये क्यों नहीं वश होती? बाबा कहते, तुम जितना याद करेंगे,
कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से होता, इससे भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान सिखाते हैं, भगवान सिखाते अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्म इंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे, जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्म इंद्री चंचलता नहीं करेगी। जब आपकी परिपक्व अवस्था होगी तो कोई भी कर्म इंद्री चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्म इंद्री धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाती हैं। मुख्य काम याद करते करते कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। अभी कर्म इंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो पाप रह जाते, तुम्हारे पाप योग बल से कटते हैं, तुम पवित्र होते जाते हो। ये नंबर वन सब्जेक्ट है, याद की सब्जेक्ट नंबर वन सब्जेक्ट है। बुलाते हैं पतित से पावन होने के लिए, सो बाप आकर पावन मनाते। बाप ही नॉलेजफुल है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी नॉलेज है। एक है योग के नॉलेज, दूसरे 84 जन्मों के चक्र के नॉलेज, दो नॉलेज हैं। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हम मनुष्य से देवता बनते तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने आप ऊपर सावधान रहेंगे, अपनी जांच रखेंगे तो कोई भी भूल नहीं होगी। अपनी जांच करेंगे तो कोई भी भूल नहीं होगी। बाबा खुद कहते माँ में कम याद करो, तुमने मुझे बुलाया। जानते हो बाबा पति पावन है, वो जब आते हैं तब डायरेक्शन देते, अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। तुम पाठ बजाते बजाते अब नीचे आ गए, बाबा को जरूर शरीर में आना पड़े। बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनते। ये भी बुद्धि में याद रहे हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती तो भक्ति मार्ग में बहुत प्रेम से उन्हें याद करते हैं। अब वो बाबा तुम्हें यह पद पाने की युक्ति बताते हैं। याद बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा बहुत मदद करते हैं। औरों का कल्याण करना है, ये भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। ये सेकंड फिर 5-4 वर्ष के बाद रिपीट करेंगे, ये भी अच्छे से समझना है। बाबा को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए वो सब भक्ति, पहले जो भी करते आए भक्ति में, बाबा ने कहा मेहनत करते आए। कहते भक्ति का फल भगवान देंगे, क्या फल देंगे कब और कैसे देते कुछ पता नहीं। बाप जब फल देने के लिए आए तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता, सारे ड्रामा में अब यह अंतिम लाइफ हो सकता है। कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बचाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी ये हालात होती हैं। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना ये अपने शरीर का घात करना, आत्मा भी समझती ये घात करते हैं। बाबा कहते आप आएंगे, बाबा कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति में बलि चढ़ते हैं वो भक्ति हो जाती। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वो किससे लेन देन होती है, जो कुछ करते किससे लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, बाबा कहते खबरदारी से लेन देन करना, कहा कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। धन भी एक शक्ति है, अगर व्यर्थ के कार्यों में लगाया तो बोझा चढ़ जाएगा।
दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता। आजकल धर्मशाला आदि बना कर देते। साहूकारों के लिए बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोपड़ियाँ। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं, उसकी कीचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती होती। सत्युग में ऐसी कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहाँ नई मिट्टी होती है। सत्युगी दुनिया में मिट्टी भी नई होती है, उसका नाम है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रतन सभी हैं, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति में अनेक पूजा होती। ये सब ड्रामा में नोंद है, जिसको देखकर मजा आता। हम एक्टर हैं, इस समय तुम्हें नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जब नॉलेज मिलती है बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको बोला दूध पानी क्यों चढ़ाते हो, जबकि वो निराकार है तो उस पर दूध पानी क्यों चढ़ाते हो। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते ये तुम्हारी कल्पना है, अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है, ये तो नॉलेज है। यह नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान वाच, भगवान भी नया और महावाक्य भी नए। वो कहते कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हो शिव भगवान वाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक ना मिले दूसरे से। यह पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हैं, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाबा है ज्ञान सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, उनको नॉलेज कहाँ से मिले। जबकि आदि सनातन देवी देवता ही धर्म नहीं जानते, जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाबा आके समझाए, नए नए इन बातों में मूंझते हैं। कहते बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ। धर्म तो है ही चार, हर एक का धर्म शास्त्र एक होता। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते। बाबा आकर तुम्हें सम्मुख समझाते हैं इस रथ के द्वारा। रथ जरूर चाहिए, आत्मा है निराकार और उनको साकार शरीर मिलता। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को कैसे जानेंगे। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते। ज्ञान से सदगति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती रावण राज्य से, भक्ति से सीढ़ी नीचे आते जाते। किसी के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं जानते नहीं। तो बाबा समझाते, इतना उच्च पद पाने के लिए, इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से ही याद करो। बाबा कहते कोई बात नहीं, जैसी भी बुद्धि है ना, तो मोटी बुद्धि से माना मोटे मोटे रूप से ही, जितना समझ में आता है उतने ही रूप से बाप को याद करो। परंतु याद एक को ही करना है, वो सारी चीजें भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, मोटे रूप से ही बाप को याद करो। गाते बाबा आप आएंगे, आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाबा आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो, जो प्राण दान देते हैं। आत्मा तो अमर लोक में जाती है, बाबा ने समझाया, काल पर जीत पहनाता हूं, तुम्हें अमर लोक लेके जाता हूं। दिखाते हैं अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठकर थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति की हर बात में वंडर लगता है। बाबा कहते तुम आत्माएं पार्वतियां हो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप तथा तैयार प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है, हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब देवता बनने के लिए आए हैं। इसे बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर फिर लेन देन करनी है। योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है, हम ये ब्राह्मण सो देवता थे, फिर देवता बनने के लिए आए हैं। बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर फिर लेन देन करनी है। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे, श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो यही परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हों, ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में बाबा की स्टेज पर पहुंचेंगे। सो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे, श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता एक ही परमात्म सत्ता है। ये परमात्म सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। सब एक स्टेज पर इकट्ठे होकर ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करना आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा करते सबकी दुआएं प्राप्त करना आगे बढ़ने की लिफ्ट है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।